सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। अब तक तो हमने फिजिकल का प्रॉपर्टी देख ही ली थी कार्बन की क्या है, अब हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो कार्बन कंपाउंड है इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। तो केमिकल प्रॉपर्टी बहुत आसान है। तो सबसे पहले आता है इसकी प्रॉपर्टी कम्बसन प्रॉपर्टी। कम्बसन मतलब समझते हैं, हाँ, अगर मतलब हम कोई भी हमारा कार्बन कंपाउंड इसे जलाएंगे तो क्या मिलेगा। तो देखिए, कोई भी अगर कार्बन कंपाउंड अगर आप इसे जला रहे हैं ना, तो कार्बन को किसके प्रेजेंस में जला रहे हैं, O2 के प्रेजेंस में जलाएंगे तो हमें तो पहला CO2 गैस निकलेगी, ठीक है, प्लस हीट एंड लाइट निकलेगी, प्लस हीट एंड लाइट आपकी निकलेगी। नहीं, जैसे आप कोयला जलाते हैं तो नहीं निकलता है, हाँ बहुते निकलता है। लेकिन अगर आप लोग देखिए, अगर मान लीजिए कार्बन का बहुत कंपाउंड जलाने लगे, ठीक है, मान लीजिए मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये सब जलाने लगे तो क्या होगा, हाँ ये सब जलाएंगे तो आपका बस वही होगा। मान लीजिए मीथेन जला रहे हैं या इसको जला रहे हैं तो O2 प्रेजेंस जलाएंगे तो क्या मिलेगा, CO2 मिलेगा, लेकिन उसके साथ H2O मिल जाता है। H2O मतलब जो मॉइस्चर नहीं बेसिकली होता है, हाँ वही मिल जाएगा, और हीट एंड लाइट तो हमें मिलेगी ही मिलेगी। तो कुल मिला जुला कर अगर हमारा कोई कार्बन कंपाउंड है तो हम ध्यान में रखेंगे कि हमारा क्या क्या मिलेगा, CO2 मिलेगा, हीट लाइट भी मिलेगी, ठीक है, समझ में आया। तो इसके बाद हम भैया देखिए हमारा यही हो गया। तो ये सब चीज़ें कहाँ पर यूज होती हैं, ये सब चीज़ें हमारे जैसे मान लीजिए अब आप लोग के घर में LPG गैस आती है, इसको क्या कहते हैं, लिक्विड फाइड पेट्रोलियम गैस। तो जब आप लोग जलाते हैं तो इसमें ये क्या CO2 तो रिलीज नहीं होता है। क्यों नहीं रिलीज होता है, क्योंकि जितने भी हमारे गैसियस कंपाउंड होते हैं उसमें CO2 रिलीज नहीं होता, बाकी हीट और लाइट तो रिलीजे होती है, ठीक है। और इसको तो हमने कंप्रेस करके डाला रहता है नेचुरल गैस को, तो LPG में यूज होता है। और जितने भी आपके प्लांट्स हैं और जो बाद में कोल फार्मेशन होता है वो भी बेसिकली क्या है, हाँ वो भी तो कार्बन कंपाउंड के ही अप्लीकेशन है। जैसे कि मान लीजिए कोई पेड़ है, ठीक है, कोई प्लांट है आपका, या मान लीजिए किसी कारणवश ज़मीन में दब गया, तो ज़मीन में दब गया तो डिकम्पोजिशन होगा, डिकम्पोजिशन होगा तो वहाँ पर कोयल फार्मेशन होता है कि नहीं, बिल्कुल है होता है, तो वहाँ से ही हमारा ऐसा बनता है। तो ये हम ये भी कह सकते हैं भैया नेचर में भी हमारा कम्बसन प्रॉपर्टी देखा जा सकता है। दूसरी हमारी भैया प्रॉपर्टी है कि हमारा ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी, ठीक है। ऑक्सीडेशन मतलब कि कार्बन कंपाउंड है उसको पूरा क्या करना, सैचुरेट कर देना, ठीक है। अभी हम समझते हैं ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी बेसिकली क्या है। तो देखिए, ऑक्सीडेशन होने के लिए क्या हमें चाहिए, हाँ हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। तो हमारे कुछ पॉपुलर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, जैसे हमारे हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट। तो हमें बस याद रखना है कि जो हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो करना क्या है, वो दो ही हमें बेसिकली यूज़ करेंगे। पहला हम याद करेंगे कि हमारा KMnO4 होगा, क्या होगा, KMnO4, और दूसरा हमारा होगा K2Cr2O4, ठीक है। तो जो हमारा पहला, इसे हम क्या कहते बताइए, इसे हम कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, और इसे क्या कहते हैं, हाँ पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो बस हमें याद रख लेना है, ठीक है, फार्मूला के साथ हमें याद रखना है कि हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। और देखिए करता क्या बेसिकली, मान लीजिए यह बेसिकली हमें ध्यान में रखना कि ऑक्सीडेशन जब होगा ना तो एल्कोहलिक कंपाउंड को किस में कर देगा, हाँ कार्बोक्सिलिक कंपाउंड में, याद रख लीजिए किस में करेगा, कार्बोक्सिलिक कंपाउंड में कर देगा, ठीक है, समझ में आया। हाँ जैसे मान लीजिए आपको कोई कंपाउंड दे दिया CH4 दे दिया, और इसके साथ डाल दिया आपको या OH डाल दिया, ठीक है, एक बात, हाँ ठीक है, मान लीजिए CH3 होगा तभी लिंक होगा, इसमें हमने डाल दिया KMnO4, क्या डाला KMnO4, तो जानते क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा COOH, बन जाएगा, नहीं बिल्कुल बन जाएगा। कैसे बना ये हम आगे वाले क्लास में देखेंगे, मतलब जो हम हायर क्लास में 11th या 12th में हमें ये चैप्टर मिलता है कि कैसे ऑक्सीडेशन होता है। बस हमें ध्यान में रखना है कि जब ये ऑक्सीडेशन होगा तो एल्कोहल से किस में बदलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। और एक हमारा आता है एडिशन रिएक्शन, ठीक है, कौन सा रिएक्शन आता है, एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन जिसे नाम से पता चल रहा है कि किसी भी चीज़ का क्या होगा, एडिशन होगा। तो जैसे मान लीजिए आपने कोई कंपाउंड लिया, मान लीजिए लिया C डबल बॉन्ड C, और इसके से साथ जुड़ा आप लोगों का मान लीजिए H है, इसके साथ R जुड़ा है, इसके साथ मान लीजिए R- जुड़ा है, और इसके साथ H जुड़ा है। अब पूछेगा कोई सर R- क्या है, R- मान लीजिए क्लोरीन ब्रोमीन ये सब है,
और हमारा आर भी इसी तरह का कोई एक कंपाउंड होगा, और बेसिकली डैश जब हमें लग जाता है तो पता है कि भैया अलग अलग कंपाउंड है, तो बस कुछ करना नहीं, एडिशन रिएक्शन हो रहा है तो हमें ध्यान में रखना है कि हमारा एडिशन रिएक्शन किसी कैटालिस्ट के प्रेजेंस में होगा। क्यों? क्योंकि देखिए हम लोग कैटालिस्ट का यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि कैटालिस्ट बताता है भैया रिएक्शन हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी तो या कैटालिस्ट क्या करता है रिएक्शन को बढ़ा देता है या फास्ट कर देता है। तो हम इसमें करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और ये हमारी एच एच, और ये हमारा एच, और ये हमारा एच, ठीक है, और बेसिकली यहाँ पे आर हो जाएगा, चार बॉन्ड देखिए फुल होगा 1 2 3 4 आर डैश हो गया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है कि नहीं, तो इसलिए क्या कहते हैं इसको, इसको एडिशन रिएक्शन कहते हैं। तो इसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि हमारा डबल बॉन्ड से क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहला कंबसन रिएक्शन में क्या होगा, हमारी दो चीज रिलीज होगी CO2 और हीट और लाइट, और हमारा ऑक्सीडेशन में क्या होगा, बस एक ही चीज़ ध्यान में रखना है कि हमारा दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, PMnO4 और K2Cr2O4। इसमें क्या होता है, अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाता है और हमारा एडिशन रिएक्शन जो होता है बेसिकली डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में हो जाता है, ठीक है। तो चलिए हम आगे बात कर लेते हैं कि हमारा एक और रिएक्शन आता है, कौन सा रिएक्शन आता है कि हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आता है, कौन सा रिएक्शन आता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देख सकते नाम ही से लग रहा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब क्या बताइए आप लोग, हाँ कोई चीज़ हमारी सब्स्टिट्यूट होगी, वो नहीं कहते हैं कि इस चीज़ का क्या सब्स्टिट्यूशन है, तो उसी तरीके से मतलब मान लीजिए आपको कोई कंपाउंड दे दिया CH4 दे दिया, इसमें हमें क्लोरीन मिलाना है तो बहुत आसान है, क्या करिए सी ऐसे हमारा रहेगा, यह इधर है, यह इधर है, यह इधर है, एक हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पे Cl लगा दीजिए, चार हाइड्रोजन है कि नहीं, हटा के Cl लगा दीजिए, और एक Cl इसे बचेगा, Cl के साथ कंबाइन होगा, ये Cl हो जाएगा। बस हमें केवल ध्यान में रखना, जानते हैं कि क्या है बेसिकली टर्मोलॉजी, ये सब हमें बाद में जाएंगे तो देखेंगे, फ्री रेडिकल क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है, यस वन रिएक्शन, ठीक है। हमें चारों रिएक्शन तो हमने देख ही ली, यही हमारी रिएक्शन थी चार थी, ठीक है। अगर समझ में आया तो चैनल सब्सक्राइब करिए, कुछ भी डाउट हो तो बताइए, ठीक है, देखिए बेसिकली था।